सिंध असेंबली के स्पीकर सैयद अवेस कादर शाह चयो आहे त हू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कारकुन हुओ आहे ऐं रहंदो। डिप्टी स्पीकर एंथोनी नवीद जो चवणु आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर पीड़ियल तबके जो आवाज़ आहे। सिंध असेंबली जो स्पीकर चूंडजण बाद सिंध असेंबली के खिताब कंदे सैयद अवेस कादर शाह चयो त हू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वर्कर हो वर्कर आहे ऐं सदाई पीपीए जो वर्कर रहंदो। सिंध असेंबली जे समूरन मेंबरन जो थोरायतो आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर था हूं और इंशाल्लाह सारी उम्र रहूंगा। माय फादर इज सिटिंग हियर इन द गैलरी, माय अंकल इज आल्सो हियर, माय फ्रेंड्स, मेरे सारे सीनियर्स जो बाहर से आए हुए हैं, इस हाउस के सारे मेंबरान, मेरे दोस्त, मेरे कोलीग्स, बहुत से नए लोग भी इस हाउस में इस दफा आए हैं, सबका शुक्रगुजार हूं। और ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जिस स्पीकर की चेयर पे मैं बैठा हूं, मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक हिस्ट्री रही है, ये उसके तुफैल है जो गड़ी खुदा बख्श में कब्रिस्तान है शहीदों का, क्यों जिन्होंने जमहूरियत की खातिर जाने दी कि पाकिस्तान में जमहूरियत हमेशा चलती रहे। सिंध असेंबली के स्पीकर अवेस कादर शाह चयो त हू समूरन मेंबरन के गड खणी हलंदो ऐं समूरन मेंबरन के कानून मूजिब ॻाल्हाइण जो मौको फराहम कंदो। और मैं यकीन दिलाता हूं कि सौदे को इम्पार्शली अनबायस्ड होके चलाऊंगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। सारे मेंबरान को साथ लेके चलूंगा जो जिस पार्टी से ताल्लुक रखता है। मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये होगी कि आज हम इस अगस्त हाउस का हिस्सा हैं, इस मुकद्दस ऐवान में माजी में जो कुछ हुआ उसे भूल के अगर हम एक नया स्टार्ट लें, आए यहां पे अपने हलके के लोगों की नुमाइंदगी करें, जिन उम्मीदों से, जिन प्यार से, जिस मोहब्बत से, जो उनके सेंटिमेंट्स हैं वो यहां तक आके पहुंचाएं। और ये यकीन दिलाता हूं कि आपको पूरा टाइम मिलेगा, आप अपनी बात कर सकते हैं। सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि ये जो रूल्स की बुक है अगर हम इसे फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह अगले 5 साल ये हाउस बहुत बेहतर तरीके से चलेगा और बहुत सारी अचीवमेंट्स होंगे। बे तरफ मीडिया से गाल बोल कंदे सिंध असेंबली के डिप्टी स्पीकर नवीद एंथोनी चयो त हु पहरियों गैर मुस्लिम आहे जेको एक आईनी उहदो संभाले रहियो आहे। मुल्क जे नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज लाइ ही एक मिसाल आहे। सिंध की एक सियासी तारीख में नया जो है वो उस बाब का इजाफा किया है कि पहली दफा कोई गैर मुस्लिम जो है वो सिंध असेंबली का एक आईनी उहदा संभालने जा रहा है बतौर डिप्टी स्पीकर। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं ये उनके लिए जहाँ पर माजी में भी बहुत सारी लेजिस्लेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माइनॉरिटी फ्रेंड की हैं, लेकिन इस मौजूदा हालात में ये एक नया ताज़ा हवा का झोंका है जो पाकिस्तान में बसने वाले जितने भी कमज़ोर तबकात हैं और ख़ास तौर पर वो पॉलिटिकल वर्कर जो ये समझते हैं कि आम सियासी कारकुन को सियासी जमात जो है वो उस तरीके से कोई जिम्मेदारी नहीं देती, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने ना सिर्फ आम एक सियासी कारकुन की जिस तरीके से इज़्ज़त अफजाई की है और उसमें अगर वो नॉन मुस्लिम कम्यूनिटी से रखता हो ताल्लुक़ रखता हो तो मैं समझता हूँ कि इस अमल को अगर हम अपने सियासी जदोजहद का हिस्सा बना लें तो फिर यहाँ पर कोई तबकात की तकसीम इस मुल्क में नहीं हो सकती। वाज़ह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सैयद अवेस कादर शाह नवीद एंथोनी 111 वोट खड़ी सिंध असेंबली जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर चूंढी वह।